मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। प्रेमिका के दुपट्टे से लिपटी हुई गजल को मां के आंचल तक लाने का मुकम्मल सफर जिस शायर ने तय किया, उस शायर का नाम है मुनव्वर राना। मां, भाई, बहन, बेटी और बीवी जैसे विषयों पर शायरी कहकर बड़ी मासूमियत से वे हमें दुनिया दिखाते हैं। अच्छी शायरी करना मुश्किल है, किंतु उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना। कुछ लोग राणा साहब की शायरी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नाम देते हैं, मगर जब मुशायरा होता था तो माएं बहुत खुश होती थी कि हमने आज अपने बच्चों को बगैर किताब और कलम के ज्ञान हासिल करने के लिए मुशायरे में भेजना है, और ये जिम्मेवारी राणा साहब खूब समझते थे। वे कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और ये शेर कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। गजल के माने यदि महबूब से बातें करना है तो फिर मां मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती, इस विचार ने एक नया इतिहास रच दिया। चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, मां देखी है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय राणा साहब के बहुत से नजदीकी रिश्तेदार और परिवार वाले लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन सांप्रदायिक तनाव के बावजूद भी मुनव्वर राणा साहब के पिता अपने ही देश में रहने को अपना कर्तव्य माने। इसी एहसास को जीते हुए उन्होंने अपनी शायरी में पिरोया, तो शेर यूं हुआ कि सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। हुकूमत जब सर चढ़कर बोलने लगी तो वो ये कहने से नहीं चुके कि एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और तो और वे ये कहते हुए भी झिझकते नहीं कि तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर, तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। अपने मुल्क का मजदूर भी उनकी शायरी से अछूता नहीं रहता। बोझ उठाना शौक कहा है, मजबूरी का सौदा है, बोझ उठाना शौक कहा है, मजबूरी का सौदा है, रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। और ये शेर कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इतनी संजीदगी से लिखने वाले शायर ने कभी शुरुआती दौर में ये भी लिखा था कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। मगर ऐसी शायरी उन्हें रास नहीं आई। जीवन के हर मोड़ पर उनकी शायरी
दस्तक देती है। वे कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राना साहब एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो अनेकों विवादों में घिरे रहने के बावजूद भी उनके मुकाम को कोई भी छू न सका। नर्म मिजाज में लिखने वाले राना साहब कहते हैं कि मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लू तो झुंझलाहट नहीं जाती। मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था, मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था। मैं कोशिश कर चुका हूं, मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। और वो ये भी कहते हैं कि हमको दुनिया ने बिठा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बिठा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज अपने कांधों पर लिए फिरते हैं, ये जो सूरज अपने कांधों पर लिए फिरते हैं, मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और तो और वो ये भी कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। सच में शायरों का जाना भी अजब इत्तेफाक होता है। उनकी खामोशी के सफर में उनके शेर बोल उठते हैं।